समझता हूँ, जहाँ पे लोग, क्योंकि इंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा साधन है सिनेमा इंडस्ट्री, क्योंकि घर पे बैठ के लोग काफ़ी बोर, घर पे टीवी देखते हैं, पर फिर भी एक सबसे सस्ती सिनेमा इंडस्ट्री है, जहाँ पे जाके हम दो तीन सौ रुपये के अंदर हम एसी में बैठ के 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोविड का खतरा था, कोविड के खतरे के चलते ये बंद हुए हैं, पर इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है जहाँ पे सारे सेलिब्रिटी खाते हैं, हमारे जैसे 250-300 लोग काम करते हैं, जहाँ पे क्लीनिंग वाले भी हैं, HR डिपार्टमेंट भी हैं, प्रोजेक्टर डिपार्टमेंट वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, तो काफ़ी लोग आज घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ सभी के अंदर थोड़ी सी खुशी जागी कि अभी दिक्कत यह है कि 50% की उन्होंने मंजूरी दी है, तो मैं समझता हूँ शुरू तो हुआ ना कि अभी 50% से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते जी। हाँ नहीं, अच्छा तो कह सकते हैं कि अभी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले बंद हुआ है, सबसे लेट शुरू हो रहा है, तो ये इंडस्ट्री डूब रही थी। तो मैं, पायरेसी बड़ी हो चुकी है, आप देख सकते हो कि छोटी छोटी फिल्में जो इंटरनेट पे आ रही हैं, तो काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो सेलिब्रिटी जितने इतने बैठे हुए हैं, हमारे लोग इतने काम करने वाले हैं, काफ़ी लाखों लोग बेरोजगार हो चुके, तो मैं समझता हूँ शिलागे जो फैंगला अच्छा फैसला है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए सरकार को कुछ खास बजट बना के देना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री को बचाना ज़रूरी है।